हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन एंड देयर फीलिंग्स। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आप सर डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सरले तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सरले तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आए आप सर डोनेट कर सकती हैं। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 30-90 स्पीड पे मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस नो कम्युनिकेशन में, आपके पर्सन की इस नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। हरमिट साइलेंट है काफ़ी ज़्यादा, कोई अप्रोच नहीं कर रहे, कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी चीज़ के बदलने का वेट कर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड एट ऑफ फैंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप में विक्ट्री की हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर किसी किसी चीज़ के बदलने का वेट कर रहे हैं। कुछ किसी कार्मा के एंड होने का वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक चल रहा है, कुछ कार्मा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइलेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे खामोश नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी इंटरेक्ट नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल में लोग हो गए, या कोलीग्स हो गए, जहाँ पर उनको बहुत बात करने की ज़रूरत है। इट मीन जहाँ उनको बहुत ज़रूरी है बात करना, वो कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं कर रहे। किसी किसी आपके पर्सन किसी ट्रॉमा, किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ कार्मा चल रहा है, कुछ उनको यहाँ पर कुछ कार्मा फेस करने को मिल रहा है। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इट मीन्स आपके पर्सन की फीलिंग्स से इस सिचुएशन में विक्ट्री लाना, जो भी वो सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से निकल के आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, आपके साथ कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। वो आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करता हुआ, एक अपनी लाइफ में जॉयफुल एनर्जी में देख पा रहे हैं। आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कभी उनकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन, एक कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आए थे, एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई थी उनकी लाइफ में। उन्होंने किसी यहाँ पर अपने इमेच्योरिटी में किसी गलत रास्ते को चूज़ किया आपके पार्टनर ने, ठीक है। पास में आपके पर्सन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन एक कंफ्यूज स्टेट में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे पास्ट में, उनके पास उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा बहुत से ऑप्शंस आ गए थे। वो फाइनेंशियल वे में हो सकता है, मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा अपने लव ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें आपके पर्सन कंफ्यूज हुए थे पास्ट में। उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी में बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन खुद को उस वक्त कॉन्फिडेंस समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन समझ रहे थे, जैसे उनके पास सब कुछ है। इस पर्सन को जैसे अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को अपना एक एटीट्यूड था, अपनी ब्यूटी को बहुत बड़ा, या तो अपनी जो अपनी लाइफ में इसकी सक्सेस है उसकी वजह से ये एक एक ईगो में लग रहा है मुझे। इसने बहुत ज़्यादा आपको एटीट्यूड से, ईगो से डील करा है। इसने उस वक्त कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग करा है जिसके लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे रिजर्व हो चुका है, सबसे रिजर्व हो चुका है। कोई कार्मा प्ले हुआ इसकी लाइफ में, इसने कुछ कार्मा फेस किया अपनी ज़िंदगी में। नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहे हैं, और जो भी सिचुएशन चल रही है उसे बाहर निकलना चाहते हैं, उसको एंड करने का वेट कर रहे हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने पास में इमेच्योरिटी में कोई गलत रास्ता, कोई गलत ऑप्शन चूज किया है अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप लोग के बीच स्टकनेस आई है। और ये आपको इंट्यूटिवली पता था, ये पर्सन गलत तरफ अपना एनर्जी पुट कर रहा है, गलत तरफ ये कोई एक्शन ले रहा है। ऐसा हो सकता है आपने इस पर्सन को पास में रोका भी था कि इस तरीके की गलती मत करो, इस तरीके का डिसीजन मेकिंग मत करो, ये जो कर रहे हो ये पास्ट, ये बात में फ्यूचर में इसका रिजल्ट बहुत गलत है, या फ्यूचर में इस चीज़ का आपको
खामियाजा भरना पड़ेगा। इसने किसी ये किसी को डेट कर रहा था, या इसने किसी पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम किया, किसी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसा करा है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को वॉर्न भी किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इस वक्त स्टक है। आप लोग की लाइफ इस पर्सन के किसी गलत डिसीजन मेकिंग वजह से स्टक हुई। इस पर्सन ने पास में कोई गलत डिसीजन मेकिंग करी है जिसकी वजह से आप स्टक हुए, इस पर्सन की भी लाइफ स्टक हो गई और आप भी स्टक हो गए। इसने कहीं और अपना वर्क पुट ऑन किया है, इसने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जहाँ पर इसने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला लेकिन उसको वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इट मीन्स हासिल वसूल उसको कुछ भी नहीं था। इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट वर्क पुट ऑन किया, अकेला है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ पर ये गया था उन लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल एक तनहा हो चुका है, एक अकेला हो चुका है, अलोन टाइम स्पेंड कर रहा है। आपसे भी कम्युनिकेशन नहीं है और आपके सामने क्या बात रखेगा, क्योंकि आप पहले से इस बात को समझ रहे थे, आपने किसी चीज़ से इसको रोका था, किसी चीज़ से इसको टोका था, लेकिन इसको समझ में नहीं आई। इसने इमेच्योरिटी में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग करा, कोई ऐसी जगह इसने अपना 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 ऑप्शन, कोई ऐसा अपनी लाइफ का सिलेक्ट करा जहाँ इसने मेहनत तो बहुत की लेकिन इसको रिजल्ट कुछ नहीं मिले। इसको ऐसा लगा था वहाँ पर अदर साइड बहुत ज़्यादा ग्रास जो है ना ग्रीन है, इसने वहाँ एफर्ट डालना बिल्कुल सही समझा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। इसने अगर एफर्ट भी डाले, काम भी किया, इसने इस सिचुएशन को संवारने की भी कोशिश करी, लेकिन आज ये फिर भी एक अकेला है, ये इस चीज़ को सोच पा रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अकेला है, सैड मूड में है। जिनके साथ गया था, जिनके पास गया था, वो भी नहीं है अब साथ, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ से निकलना चाह रहा है। कोई चीज़ है जिसमें ये अटका पड़ा है, कोई व्हील है, कोई जो जिसको बार बार वहीं से खड़ा करता है, वहीं उसी पॉइंट पर लाकर वापस खड़ा कर देता है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, और यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। मेंटली स्टकनेस, इस वक्त यहाँ पे एक साइलेंट साइलेंटली अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं डाल रहा, या किसी भी चीज़ में ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो भी इसकी जर्नी रही उस चीज़ को सोचते हुए, आप इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, आपने इस पार्टनर का पास में बहुत ज़्यादा वेट करा है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है, आप किसी स्लीपलेस नाइट, नाइट ऑफ सूट, आप यहाँ पर स्लीपलेस नाइट से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, ठीक है, आपने इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ये साइकिल आप लोग के बीच इन एंड आउट चलती रही। इट मीन्स ये साइकिल तवील अरसे तक आपके साथ चलती रही, कोई साइकिल, कोई पैटर्न जो आप लोग रिपीटेड देख रहे थे अपनी ज़िंदगी में। आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते थे लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है आपकी तरफ, ठीक है, एक डिफेंसिव पर्सन नज़र आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है। आप इसको बार बार अप्रोच करते रहे, यहाँ पर अपना लव ऑफर आप इसको बार बार देते रहे, लेकिन इसने लव ऑफर को आपके समझा नहीं। स्लो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, किसी चीज़ का एंड होने का इंतज़ार कर रही है। फाइव ऑफ सोर्ड, अपनी गलतियों का एहसास है, जैसे कुछ गलत हो गया, लोगों की बातों में आया, लोगों की सुनी, टावर मोमेंट। बिल्कुल यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको अपनी लाइफ में, इसको सडन रियलाइजेशन है चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एंड कर कर इसको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहता है। पास्ट के बनिस्बत बहुत ज़्यादा मिच्योर है और मेच्योरिटी से कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसकी विश है आपके साथ ओपन अप होके बात करना, जो ये आपको बताना चाहता है वो आपसे, इसकी विश है ये आपको बताना। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आ रहा है, किसी पेंटिकल्स को लेकर, किसी ऑफर को लेकर आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसने पास्ट में आपके आपके जो आप लोग का जो मामला था, इसने किसी से डिस्कस करा, इसने किसी और की सुनी है, ठीक है, जो आप लोग के बीच जो भी चल रहा था, इसने वो किसी और से डिस्कस करा, इसने बाहर के लोगों की सुनी है आपके रिलेशनशिप में,
जो इसको भारी पड़ गई, इतनी इसको ऐसा लग रहा है ये सब कुछ खराब कर चुका है, सब कुछ गलत कर चुका है, जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है ये वो डिजर्व करता है, जो भी इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिस तरीके से आपने इससे मुंह मोड़ लिया या अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए या तो जो कुछ भी हुआ आप लोग के बीच, ये समझ पा रहा है उसकी गलती इसकी खुद की, इसने क्यों किसी के ऊपर ट्रस्ट करा, इसने क्यों किसी की बातों में आया, इसने क्यों किसी को सुना, जो इंसान को जो अपने फैसले करने चाहिए वो जो एक जो बहुत अहम फैसले होते हैं, ठीक है एडवाइस लो लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको खुद समझना चाहिए, लेकिन ये पर्सन क्या करता है, आपने इसको समझाने की कोशिश करी लेकिन इस पर्सन ने उस जगह से एक्सपीरियंस हासिल किया, जब तक इसने खुद पे उस प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में इसने खुद को इन्वॉल्व नहीं करा उस वक्त तक इसको बात समझ नहीं आ रही थी आपकी, अब बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है आपकी तरफ आना चाहता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, अपनी लाइफ में विक्टोरियस नजर आ रहे हैं इस पर्सन को, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं, ठीक है कोई पेंटिकल आपके लिए ये कोई स्टेबल ऑफर आपके लिए बना रहा है जो आप तक लेकर आना चाहता है, ये मुझे एज डिफरेंस नजर आ रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ 5-5 की एनर्जी है, कोई चेंज चाह रहा है इस सिचुएशन में, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक मुझे समझदार इस वक्त नजर आ रहा है, एज में आपसे ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है रिकंसाइलेशन, सडन रियलाइजेशन, इसको आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहिए, ये आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फील करता है, ये ऐसा हो सकता है ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने अपनी जिंदगी में आपके अलावा भी और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, एक एक्सपीरियंस होल्डर है, आप इसका फर्स्ट लव नहीं हो सकते, ये ऐसा पर्सन है, ठीक है ये आपको मैं क्लियर कर दूं, आप कहें कि मैं इसका पहला और आखिरी प्यार, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, ठीक है डेथ एक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा है, मैंने कहा ये पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर रहा है, अब बहुत ज्यादा एक मेच्योर पर्सन की तरह बन चुका है, एक मेच्योर पर्सन एक मेच्योर डिसीजन मेकिंग ये करना चाहता है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है ये पार्टनर आपका, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को समझा है, आपके साथ टेन ऑफ कप्स चाहता है, जो आप इसको ऑफर कर रहे थे अब ये खुद जजमेंट डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इस सिचुएशन के लिए, आपके साथ फैमिली के लिए आपके साथ लाइफ के लिए, इस चीज के लिए यहाँ पर प्रेयर कर रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर आपकी एनर्जी है, आप बर्डन सम थे पास में, बहुत ज्यादा इसका वेट कर रहे थे, मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त आपका वेट करता हुआ नजर आ रहा है, आपने तो किया किया वेट, एक बर्डन सम एनर्जी में नजर आ रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में नजर आ रहा है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये सोते जागते आपके बारे में सोच रहा है, ये इस रिकंसाइलेशन को जरूर करना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसकी जिंदगी से जाएं, ठीक है यहाँ पे मुझे इसकी ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, ये वेट कर रहा है, इसके पास जो भी इसकी जिंदगी में चल रहा है उसको खत्म कर कर आपको अप्रोच करना चाहता है, इसके इसको अब ये रियलाइजेशन इसको ये जो हो ही है अब इसके लिए बर्डन बन चुका है इस रिलेशनशिप में एक रिकंसाइलेशन करना, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इसको जो सबसे ज्यादा समझता था, जो उसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करता था, जो उसको हील करता था, इसने उसको ही छोड़ दिया, ठीक है इसने उसके ही साथ गलत करा, इट मीन्स ये अब आपको बहुत ज्यादा इनोसेंट समझ रहा है, आपकी जो बातें थी उनको समझ पा रहा है, आप इसके वेल विशर थे, आप इसको समझाना चाह रहे थे, आप इसको अब इसकी जिंदगी में आगे की तरफ आप इसको एक विक्टोरियस होता हुआ देखना चाहते थे, आप सिर्फ इसके साथ अपने साथी इसकी हैप्पीनेस नहीं देख रहे थे, आप इसके लिए लॉयल रहे, ठीक है टेम्परेंस आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस देख पा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन देख पा रहा है, आपको यहाँ पर इस वक्त ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपके साथ एक बैलेंस अप्रोच चाहता है, ठीक है ये पर्सन मुझे यहाँ पर इसकी नो कम्युनिकेशन में इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा हैं एक, लेकिन ये अकेला है इस वक्त, बहुत ज्यादा एक अकेला एक अलोन टाइम स्पेंड कर रहा है अपनी जिंदगी में, जैसे एक वर्स्ट पॉइंट पर हो, इसने बहुत कुछ कीमती खो दिया हो, इसको जैसे इसने कुछ कुछ हीरे को गवा दिया हो, जहाँ से भी इसको एक्सपीरियंस मिला है, इसको इसने जो पास में आपका कंपैरिजन कर रहा था, जहाँ कहीं और इसने जाके अपना अपना जो इसके पास चॉइसेस थी, जहाँ इसने किसी और को सिलेक्ट कर रहा था आपके ऊपर, अब ये इसको ऐसा लग रहा है इसने किसी हीरे को गवाया है, क्योंकि इसको अब ये बर्डन बन गया आपका इसकी जिंदगी से जाना निकलना, जो इसने आपके साथ किया
जिसके पैटर्न रहे, जिसने आपके साथ मिसबिहेवियर करा, जो जो आप इसको बता रहे थे, इट मीन्स आपकी कही हुई बात याद कर रहा है, आपकी जो इंट्यूशन इसको समझाना चाह रही थी, जो आपने इसको कहा था, इसने वो आपको नहीं सुना, इसको ऐसा लग रहा था आप इसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इसलिए आप इससे इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर आप इसको रोकना चाहते हैं, आप तभी जो है ना आप इसको इस तरीके से ऐसे बातें करते हैं, आप तभी चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं और ना जाए, इट मीन्स ये सोच रहा था आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये चाहे ना चाहे आपको उसका कनेक्शन चाहिए, इसको ऐसा लगता था आप ज़बरदस्ती इससे कनेक्शन को बनाना चाहते हैं या ज़बरदस्ती इसकी लाइफ में रखना चाहते हैं, इसको या इसकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, सच में पास में इसने ज़बरदस्ती समझा, वैसे ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप बनते भी नहीं है, डिवाइन ने उसको रियलाइज़ कराना था ये ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप नहीं था, ये मैंने आप लोगों को एक साथ मिलवाया था, मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान दिया था, उसके बाद ऑप्शंस दे दिए थे, तुमने अपने किसी किसी कार्मा को चूज़ करा, किसी कार्मिक पर्सन को चूज़ करा, ये अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट है और डिटैच है, ये अपनी गलतियों को समझ रहा है, और जिन लोगों के साथ ही कनेक्ट हुआ था उसने एक एक करके उन लोगों को जाता हुआ देखा, जब इसको ज़रूरत थी वो उनमें से कोई भी इसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बर्डन सम सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अपने कंधों पे एक बोझ की तरह ये ऑब्सेसिव एनर्जी में आपके साथ, ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाएं, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको अनकंडीशनली लव कर सकते हैं, आपके जैसा इसको यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसका इसका दिल सिर्फ आपको याद कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है आपका, लेकिन आपको देख रहा है एक विक्ट्री, एक विक्टोरियस होते हुए, आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है ये पर्सन। देखिए इसको कोई क्लैरिटी मिली है, लेकिन आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं, आप भी क्लियर हैं आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, और ये पर्सन भी क्लियर हुआ है इस सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, इस नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस नो कम्युनिकेशन में, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, टेम्परेंस, आप अपनी एनर्जी में बैलेंस बना रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, फोर ऑफ पेंस, आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट ऑफर चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं, दी लवर, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप इसके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आपको अगर ये स्टेबिलिटी देगा तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको बैलेंस रिलेशनशिप मिलेगा कहीं और से भी तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ इसको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी नज़रें हैं इसके ऊपर, आप लोगों के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इसकी तरफ अट्रैक्शन आपकी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के अलावा भी आपकी तरफ कोई आ रहा है, ठीक है, आपके अंदर कोई अट्रैक्शन देख पा रहा है, लेकिन आपको जो यहाँ पर मैरिज और एक बैलेंस रिलेशनशिप देगा, एक इक्वल गिव एंड टेक देगा, आप उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, आप किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहते, आप किसी ड्रामे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप बैलेंसिंग लाइफ चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको बैलेंस दे, जो आपको पीस दे, जो आप एटलीस्ट जो आप जिसको वो दें आप इन रिटर्न आपको वो वही दे, आप वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे रिलेशनशिप में जो वैल्यूएबल हो बिल्कुल, जो आपको लाइफ दे सके, जो आपको फैमिली दे सके, जो आपको रिस्पेक्ट दे सके, देखिए टेन ऑफ पेंटिकल, जो आपको फैमिली प्रोवाइड कर सके, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप ओपन अप होना चाह रहे हैं किसी और के लिए, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसी फेयरफुल लाइफ में नहीं रहना चाह रहे, आप अब किसी और का वेट नहीं करना चाह रहे, इट मीन्स आप एक फेयरफुल सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, लोगों को आप लोगों से आप कनेक्ट करने के लिए खुद को ओपन अप कर चुके हैं, लेकिन आप इंटरटेन किसी भी को भी नहीं कर सकते, आपने अपनी एक एक अपना आपका एक एक मयार है, इट मीन्स आपने अपनी लाइफ में एक अपनी लिमिटेशन को सेट कर लिया है, जो आपके लिए बैलेंसिंग आपको पर्सन लगेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, जो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करेगा, आप उसके साथ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है, ये पास पर्सन हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, जिसमें आप सोच रहे हैं कि जो भी मुझे इन दोनों में से इस वक्त आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, जो आपको एक फैमिली एक 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 लाइफ एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर देगा, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपीयर कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, आप ये नहीं आप इस पर्सन को नहीं चाहते, आप अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो एक स्टेबल पर्सन की तरह, ठीक
आप इसके साथ कोई भी फाइट एक्सेप्ट नहीं करते, आप किसी ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहते, आप अपने आप को किसी ऑप्शन की तरह नहीं देखना चाहते किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो ये पर्सन हो गया पास्ट वाला या कोई न्यू हो गया, चाहे कोई आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे कोई भी पर्सन हो गया, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप उस पर्सन को चूज करेंगे जो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, जो आपको उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से आप उसको देख रहे हैं। आप कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहते, आप लव चाहते हैं। आपने इस पर्सन से भी पास में एक लव ही चाहा था और आप अब भी लव चाहते हैं, लेकिन किसी फेयरफुल सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है? क्योंकि आप सामने वाले की लॉयल रहते हैं, तो आपको भी लव चाहिए और एक लॉयलिटी चाहिए, और आप उसमें अपनी एक कोई जो आपको जो एक लव करता है उसमें आप खुद को सिक्योर फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है, ये चीज़ आपको सिक्योर करती है, ठीक है? आप जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ठीक कर रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी ढूंढ रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, बेहतरीन, बिल्कुल इससे ज़्यादा अच्छा कुछ आप कर नहीं सकते यहाँ पर। आप जो भी कर रहे हैं बहुत गुड चीज़ को आप अप्रोच कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं आपके पर्सन आपको कोई एक्शन, आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं या नहीं, ठीक है? नॉट फॉर यू, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं रह सकता, ठीक है? हायर पावर, यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, आप लोग की लाइफ में जो भी चल रहा है डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है? हैप्पी है, सरेंडिपिटी, ठीक है? आपको यहाँ पर सरेंडर करना है सिचुएशन को, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सरेंडर करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं, ठीक है? फोक इन द रोड, बिल्कुल आपके माइंड में कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है, अनफोल्ड कोई भी चीज़ नहीं हुई हुई, ठीक है? मैंडिंग, लेकिन आप मिस करते हैं इस पर्सन को, आपकी यादों में है ये पर्सन। परफेक्ट, ये सिचुएशन आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से, या बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़त्म हुई है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में रीबर्थ चाहते हैं। बिटवीन द वर्ल्ड, यहाँ पे आप चाहते हैं जो पास्ट था आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क रहा है, अब आप पॉजिटिव इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड देखना चाहेंगे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रस्ट करना नहीं चाहेंगे, आप ट्रस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आप चाहेंगे आपका ट्रस्ट जीते, आप इसको एक एक सब कुछ रखकर आप इसको प्लेट प्लेट में नहीं देने वाले, आप इसको कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाले, आप इसको ये नहीं सोचने वाले कि आप, हाँ भाई जो इसने कह दिया आपने इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, ठीक है? राउंड एंड राउंड, आप सिचुएशन में किसी स्टक सिचुएशन में नहीं घूमना चाहते, जो आपकी लाइफ को न्यू लाइफ, आपकी लाइफ में एक न्यू पैट न्यू एक न्यू जिंदगी को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू वक्त को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी राउंड एंड राउंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रक सिचुएशन से नजर निकलना चाहते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, आप उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए नहीं है, तभी ये यहाँ पर सिचुएशन आप लोग की एक आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, ठीक है? बस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।